ये जावेद साहब फोन नहीं उठा रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ रह गए ये। इनको एक बात बतानी थी। नहीं, हालांकि वो लड़की का जो मसला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन अब सिर फिरों का क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदनाएं बच्ची के साथ में है, उसके परिवार के साथ में। लेकिन एक कॉमेडी की बात ये हुई इसमें कि अच्छे भले पप्पू खान और पिंकी देवी जा रहे थे, ठीक है, उस लड़की से मिलने। लेकिन ज्यों ही आधे रास्ते में पता लगा कि नहीं भाई, वो जिसने किया है ये काम वो आप ही की पार्टी का है। बस उल्टे पैर लौट लिए, यू टर्न मारा और वापस अपने घर पे। सब के सब राजनीति बनाने में लगे हुए हैं, किसी को ये मतलब नहीं है कि कौन कहां जी रहा है, कौन कहां मर रहा है। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि बस मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए। मेरा तो खैर उल्लू सीधा हो ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा उल्लू ही टेढ़ा है और वो है मेरा लौंडा। हाँ, वही लौंडा ही बोला है मैंने। मैं कोई, खैर छोड़िए इस बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि अब एक वक्त आ गया है कि पुराना दौर अब लौट करके आए। सबको बुरका पहनना जरूरी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पता ही नहीं लगता कि कौन है भाई। बुरका पहनना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि किसी सिर फेरे का ये नहीं पता कोई कहां से निकला है, कोई कौन हो क्या हो। हालांकि ये बात है कि जो भी ऐसे मसलों में पाया जाता है वो मैरी कॉम का ही होता है। अरे मैरी कॉम बोल रहा हूँ, वो वाली मैरी कॉम है, मतलब वो उस उन्हीं की, जैसे बोलते हैं ना कि वो उसी की उसका होता है कि भाई बिना लातों और घूंसों से वो न सुधरने वाला होता है। भाई मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि हाथ कंगन कुवाड़ सीखिया और पढ़े लिखे को फट सीखिया। उस बंदे ने इतना कुछ चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले सालों में ये कभी उबर पाएंगे ये लोग। तो क्यों ना इन्हीं का ही चोला पकड़ लिया जाए, जो बंदा बढ़ भी रहा है और बढ़ा भी रहा है सबको। मैं बता दूं आपको जावेद साहब, आप भी सुन लीजिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे डर लगता था यहां पर, लेकिन जब से मिस्टर मोदी आए हैं मैं डरना बंद कर चुका हूं। चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसका बाप हो। सर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक्टर तो अच्छा हूं ये आप मानेंगे, भले ही 8 फिल्मों का हूं लेकिन अच्छा हूं ये आप मानेंगे। तो प्लीज इन सब घटनाओं को आप थोड़ा रोकिए और हम लोग आपके साए में सुरक्षित हैं, जिसकी वैल्यू हम नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई चीज हाथ से चली जाती है तब उसकी वक्त समझ में आती है, पर आप अपना साया हमारे पे बनाए रखें, हमारे बच्चों पे बनाए रखें, और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वालों को आप सख्त से सख्त अंजाम दें।